उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में निकाली जाएगी 1 लाख से अधिक भर्तियां। जी हां, सांसद विनोद सोनकर के आवास पर पहुंचे श्रम एवं सेवायोजन राज्य डॉक्टर रघुराज सिंह। मंत्री जी ने यहां पर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बेरोजगार युवाओं को योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही सौगात देने जा रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकारी विभागों में खाली पदों के आंकड़े जुटाए जा रहे हैं, जैसे ही यह कार्य पूरा होगा 1 लाख से अधिक युवाओं के लिए भर्ती निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री जी इस मामले में काफी ज्यादा गंभीर हैं और इसके लिए उन्होंने यहाँ पर बड़ी घोषणा यहाँ पर की है। और ये जो घोषणा है वो दैनिक जागरण के विशेष बातचीत के दौरान की गई है, जहां पर उन्होंने चीजें बताई हैं। तो दोस्तों, ये जो भर्तियां हैं ये यूपी SSSC से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, जो कि जैसे कि लेखपाल भर्ती व अन्य विभिन्न भर्तियां। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में आपको नई दरोगा भर्ती, कांस्टेबल भर्ती, इसके अलावा पुलिस विभाग में अन्य और बड़ी भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह की सभी जो भर्तियां हैं उनको मिलाकर लगभग 1 लाख पदों पर जो भर्तियां हैं वो कराई जाएंगी। लखनऊ छात्रों के लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि लखनऊ परिक्षेत्र में अग्निवीरों की जो भर्ती की रैली है वो 20 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है, जो कि 10 नवंबर 2022 तक चलेगी, जिसके लिए 95,413 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया है। और समाचार पत्रों में ये जानकारी देखने को मिली है कि राजकीय विद्यालयों में 7,471 शिक्षकों की भर्ती होगी। जी हाँ, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक LT भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे प्रतियोगी छात्रों के लिए खुश करने वाली खबर है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश भर में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के रिक्त पदों का जो विवरण है वो जुटा लिया है और संबंधित जो अध्याचन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा है। टोटल अगर बात करें तो 12,000 पदों पर अध्याचन भेजा गया है, जिसमें से शिक्षकों के 7,471 और प्रवक्ता के 5,256 पद यहाँ पर बताए गए हैं। इसमें अर्हता को लेकर काफी बड़ा विवाद था और उस विवाद को समाप्त करने के बाद ही जो अध्याचन है वो लोक सेवा आयोग को भेजा जा चुका है। जानकारी ये भी है कि अक्टूबर 1 वीक में इसका जो संबंधित विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में एडेड माध्यमिक विद्यालयों में 2,000 से ज्यादा लिपिकों की भर्ती होगी और यहाँ पर कहा गया है कि विद्यालयों में अब ऑफलाइन ही यहाँ पर लिपिकों की भर्ती कराई जाएगी। शासन ने निदेशालय के ऑनलाइन भर्ती के प्रस्ताव में बताई है तकनीकी दिक्कतें। जी हाँ, यहाँ पर काफी ज्यादा तकनीकी दिक्कतें बताई हैं, इस कारण से इसे ऑफलाइन कराने का यहाँ पर विचार बनाया जा रहा है। और इसी के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों से मांगे गए हैं लिपिकों की भर्ती के प्रस्ताव। जी हाँ, जिससे संबंधित जो पूरा शासनादेश है वो यहाँ पर जारी किया गया है। और साथ में जानकारी ये भी दी गई है कि 16 जनवरी 2023 तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के साथ छात्रों को, जो भी चयनित छात्र होंगे, उनको नियुक्ति भी दे दी जाएगी। और इसी को लेकर आप देख सकते हैं कि 18 सितंबर को शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की तरफ से जिला विद्यालय निरीक्षक को यह नोटिस जारी किया गया है, जहां पर प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी पदों पर चयन संबंध में इस नोटिफिकेशन को यहाँ पर जारी किया गया। पूरा कार्यक्रम यहाँ पर बता दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि 17 सितंबर 2022 को विज्ञापन जारी होगा, उसी दिन से आप आवेदन करेंगे, लेकिन अब इस चयन प्रक्रिया की जो अंतिम तिथि है थोड़ा सा इसमें बदलाव किया है, 1 माह की वृद्धि की गई है और इसे संशोधन किया गया है और कहा गया है कि जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी कर दी गई है, यानी कि अब 16 जनवरी 2023 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का जो निर्धारण किया गया है। साथ में आवेदन में भी कुछ परिवर्तन किया गया, अभी हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। ये देखिए, ये पूरी समय सारणी है जो कि यहाँ पर जारी की गई है, जहां पर बताया गया है कि जो निदेशालय द्वारा जनपदों को निर्देश है वो 18 तारीख को दे ही दिए गए, मैंने अभी आपको दिखाया। इसके अलावा संस्था प्रबंधक प्रधानाचार्य द्वारा जिला विद्यालय प्रस्ताव जो प्रेषण है वो 24/9 तक यहाँ पर माध्यमिक को सभी चीजें प्रस्तुत करनी है, कहाँ पर कितने पद रिक्त हैं, उसके बाद आगे की सभी प्रक्रियाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर सभी चीजें आप देख सकते हैं, हम आपको मेन चीज यहाँ पर दिखा देते हैं जो कि यहाँ पर आवेदन को लेकर है, जो कि रजिस्टर डाक से है। ये देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों द्वारा अपना आवेदन रजिस्टर डाक के माध्यम से संस्था प्रबंधक को प्रेषित करने के साथ ही उसकी छायाप्रति जिला विद्यालय निरीक्षक को उनके ईमेल पर प्रेषित करना है 27/10/2022 तक। उसके बाद ही PET के आधार पर 6/11/2022 तक संबंधित जो मेरिट सूची है वो तैयार की जाएगी। फिर परीक्षा यहाँ पर दिखाई गई है कि परीक्षा कैसे होगी। मेरिट के आधार पर 1 पद के सापेक्ष लगभग 10 छात्रों को कंप्यूटर पर टंगन परीक्षा हेतु तथा संबंधित शासनादेश में जो भी चीजें दी होंगी उसके लिए
22 10 तक यहाँ पर बुलाया जा सकता है। और उसके अलावा यह सारा कार्यक्रम है, कुल मिलाकर जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो आप देखेंगे कि 16/1/2023 निर्धारित की गई है। इसके अलावा ये आप देखेंगे कि एक और यहाँ पर शासनादेश है, ये भी यहाँ पर जारी किया गया है, जहाँ पर कुछ यहाँ पर गड़बड़ियां देखी हुई है, उन गड़बड़ियों को यहाँ पर सुधारा गया था और इसे यहाँ पर जारी किया गया था। आवेदन शुल्क के बारे में भी यहाँ पर जानकारी देखने को मिली है कि अनारक्षित सामान्य अन्य पिछड़ा 750 रुपए दे होना होगा और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति WS को 500 रुपए यहाँ पर देना होगा। इसके अलावा अर्हता के बारे में भी चीजें देखने को मिली है, इंटरमीडिएट कम से कम आपको यहाँ पर पास होना जरूरी यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा जो अगली अपडेट है वो डॉक्टर सुधीर एम के तरफ से, प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन के, तो उनकी तरफ से यहाँ पर अभी ये नोटिस है 20 सितंबर का, जहाँ पर बताया गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड 2022 की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया के संबंध में नोटिस है वो यहाँ पर पूरा जारी कर दिया गया है, जहाँ पर प्रथम चरण की जो काउंसलिंग है 30 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में होगी और सत्र जो प्रारंभ है वो 10 अक्टूबर से यहाँ पर शुरू हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपकी जो पूरी मूल काउंसलिंग है, फिर डायरेक्ट काउंसलिंग है, वो सभी चीज़ यहाँ पर निर्धारित कर दी गई है। मूल काउंसलिंग 7 नवंबर से 15 नवंबर तक, डायरेक्ट 21 नवंबर से 25 नवंबर तक निर्धारित की गई है। नोटिफिकेशन अभी अभी आया है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी अपडेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।